हरदीप सिंह होश में आओ, हरदीप सिंह होश में आओ, हरदीप सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, हरदीप सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सीमांचल की एकता, इंकलाब। वैसा में भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह के विवादित बयान पर सड़क पर उतरे लोग। अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिए गए विवादित बयान को लेकर बैसा प्रखंड के रोटा बाजार में समाज सेवी इंजीनियर महफूज आलम के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रोटा बस स्टैंड से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक लोगों ने प्रदर्शन किया और सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसी माफी मांगने की मांग की। विरोध कर रहे लोगों ने सांसद के खिलाफ रैली में जमकर नारे लगाए। आक्रोशित युवाओं ने संबंधित बयान को लेकर बीजेपी सांसद से अपने भड़काव बयान के लिए माफी मांगने की मांग की। सीमांचल में रहना है तो रहना होगा। प्रदीप सिंह होश में आओ, प्रदीप सिंह होश में आओ, प्रदीप सिंह होश में आओ, प्रदीप सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, प्रदीप सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, प्रदीप सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, किस चीज को लेकर? मामला ये है कि माननीय सांसद अररिया प्रदीप सिंह वो ये कह रहे थे कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। हम लोग इसको खंडन कर रहे हैं। अररिया क्या पूरे हिंदुस्तान में हर किसी को रहने का अधिकार है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई सदियों से मिलजुल के रहते आ रहे हैं। हमारे सांसद से हमें कहना है कि आप ये नफरत की राजनीति करना छोड़िए। यहाँ के लोग कोई हिंदू है कोई मुसलमान है और इस जो यहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे आधे से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन हम लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आ रहे हैं और आज हमारे लीडर्स जिनको हम अपना लीडर चुन के पार्लियामेंट भेजे हैं वही हमें बांट रहे हैं, उनके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपको जनता से माफ़ी मांगना चाहिए और ये एक्सेप्ट करना चाहिए आपको कि आपसे गलती हुई है। घुमा फिरा करके जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप सफाई दिए बगैर आप एक्सेप्ट कीजिए। उनका एक बयान आया था कि उन्होंने बताया कि मैं मुस्लिम भाई को टारगेट नहीं किया हूँ, इसमें अपने समुदाय के लोगों को कहा हूँ कि हिंदू बन के आपको रहना पड़ेगा, जैसे कि कुछ उसमें है और अन्य जाति शामिल है उनको। देखिए जब वो बात पहले कर रहे थे तो इस तरह का कुछ भी नहीं था, उन्होंने सीधे डायरेक्टली ये कहा था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आप जो है नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को बांट रहे हैं जातियों में धर्मों में। आपका जो मुद्दा है ऑब्वियसली मैं माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से कहना चाहूँगा कि आप नफरत की राजनीति ना करें, आप भी मोहब्बत की राजनीति करें और अगर आप नफरत की राजनीति करेंगे तो लोगों को आप बांटते रह जाएंगे, लेकिन हम अंदर से सब कोई एक हैं। यहाँ के सोसाइटी सदियों से एक साथ मिलजुल के आ रही है, आप कितना बांटोगे, आप हर चीज में नाकाम रहोगे। इसलिए आपका जो स्वाभिमान यात्रा है हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हर किसी को स्वाभिमान बन के हर किसी का अपना स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान को मत तोड़िए। आप एक रहिए और अपना काम कीजिए, मोहब्बत की राजनीति करिए, नफरत की राजनीति को बंद कीजिए।